કેમ છે દોસ્તો મજામાં ને આજે આપણે ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની તારીખ ચૌદ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજની જે એકમ કસોટી છે તેના પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ પાઠ નંબર એકથી છ જે છે તેમાંથી આપણું આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તે પૂછાવાનું છે ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે આ જે એકમ કસોટી છે તેનું જે પ્રશ્ન બેંક છે તે પ્રશ્ન બેંકના પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जेना कुल पाँच मार्क्स में पहलो सवाल हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं तो अँ जवाब आशे खुदा त्यारीज सवाल सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे तो जवाब आशे डॉक्टर त्रीज सवाल नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था तो जवाब आवश्यक गुलामी का ચોથું ડૉક્ટર કલામ કી ઉચ્ચ શિક્ષા અંગ્રેજી માધ્યમ કી ખાલી જગ્યા મેં તો જવાબ આવશે વિકલ્પ એ સંસ્થાઓમાં પાંચમું મહર્ષિ કશ્યપ કે પિતાકા નામ ખાલી જગ્યા હતા તો જવાબ આવશે વિકલ્પ બી મરીચી મિત્રો ધોરણ આઠની તારીખ ચૌદ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજની હિન્દી વિષયની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપડી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે અત્યાર સુધીની જેટલી પણ એકમ કસોટીઓ છે તે બધી એકમ કસોટીઓના વિડિયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે આવનારી એકમ કસોટીના પણ વિડિયો અને પીડીએફનો જો અભ્યાસ કરવો હોય તો લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર બે કોષ્ટકમેસે ઉચિત શબ્દ ચુનકર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ જેના કુલ પાંચ માર્ક્સ છે એમાં પહેલો સવાલ હમ તેરી સે ઈસ ખાલી જગ્યા મેં હૈ તો જવાબ આવશે દુનિયા बीजो सवाल हामिद का बाप गत वर्ष खाली जगह की भेंट हो गया तो जवाब अवश्य त्रीज उठो धरा के खाली जगह सपूतों पुनः नया निर्माण करो तो अमर चौथो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ खाली जगह नीतिया बनाता है तो दूरदर्शिता पूर्ण पांचवी हथेली का शोभा प्रायः खाली जगह को भी लज्जित कर रही है तो कमल प्रश्न नंबर त्रन इन शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य में प्रयोग कीजिए युवक तो यू लिंग परिवर्तन थे युवती ने वक्य बन से वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी बीजू से छात्र एनुसे छात्र बन सूम किस स्कूल की छात्रा हो मालिनू थे मालिन वक्य बन से मालिनी सुंदर मालाए बनाती है डॉक्टर ना डॉक्टर वक्य आवश्य हमारे गाँव की डॉक्टर नि है चौथो सवाल निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए जेना कुल पांच मार्क्स मार्क पहला सवाल ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है तो ईश्वर से हमें यह शरीर और वरीय प्राण मिले है बीजों अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला त्रीजो सवाल कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है तो कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है चौथों डॉक्टर कलाम किस भाषा को बढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते थे तो डॉक्टर कलाम मातृभाषा को बढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते थे बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था तो बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीची के पुत्र कश्यप ने दिया था त्यारछे छश्न नंबर पाँच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए एमा पहला सवाल हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ क्यों लगता है तो जवाब आप हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ लगता है क्योंकि उससे रोटी या तवे पर से उतार कर चूल्हे में सेक सकते हैं इनके अलावा कोई आग मांगने आए तो चिमटे द्वारा चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे सकते हैं बीजा सवाल अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है तो अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है सवाल चिराग जैन के सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने क्या दिया तो जवाब अवश्य चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन दो तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के लिए अरब से ज्यादा अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने बड़ी चुनौती है दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई तो दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये दो रीतियां बताई पहलू वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं बीजो वृद्धा में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं दोस्तों फरीमणिशो आपड़े एक નવી એકમ કસોટી જે એટલે કે ઓરિજિનલ એકમ કસોટી છે તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે એટલે કે તારીખ ચૌદ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજની જે ઓરિજિનલ એકમ કસોટી છે તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મળીશું